से ज्यादा या फिर एक दिन दो दिन या फिर किसी को हेडेक होता है सभी का मलेरिया टेस्ट करते हैं एडवोकेट से, और मुल्तानी लोग को भी बता के रखे हैं अगर आप लोग के पास कोई भी सर्दी खांसी का भी केस आ रहा है दो चार दिन से ज़्यादा है और फीवर भी हो रहा है तो उनको भी मतलब टेस्ट करना है एडवोकेट से मलेरिया टेस्ट करना होता है समिति तो उनका बैठक जो महीना में होता है ज़्यादा, उनकी बीच भी जो है या मितानियों के संकुल बैठक होता है उसमें आप शामिल होकर के जो है मितानियों के बीच में या स्वच्छता समिति के बीच में जो है जाकर के इस बात को रखिए कि जो है उनको कुछ शासन की ओर से बजट भी मिलता है ताकि जो है जो हैंडपम्प के आसपास जो पानी भरे रहते हैं उसमें जो है उन लोग उसमें मिट्टी डाल करके उसको प्लान करते हैं और पानी की निकासी के लिए जो है वो ये करें, है कि नहीं, निकासी बना के रखें और उस पानी को जो है एक जगह जो है इकट्ठा होने दें ताकि जो है सब तरफ फैले मत, और वहाँ पर जो है हम लोग कंबोजिया मछली का ये डाल सकते हैं या तो फिर वहाँ पर जले आयल डाल सकते हैं या फिर जो है उसको जो है हर पंद्रह दिन में जो है उसको गड्ढा को पाट कर दूसरा गड्ढा बना सकते हैं। कहाँ शीतल पानी अशोक सबसे पहले हम फिल्टर दवाई जाते हैं किसी गाँव में कोई भाग वाले व्यक्ति मिलते हैं उसका आईडी टेस्ट करते हैं और जैसे पॉजिटिव आते हैं कॉन्टेक्ट सर्वे कराते हैं माध्यम या फिर हम खुद जाते हैं आस पास के दो चार घरों का जितने भी सदस्य परिवार के उनका सभी लोगों का टेस्ट कराते हैं ताकि आस पास के घर वाले किसी को पॉजिटिव कर बताए। अभी मलेरिया मुक्त करना है, जीरो करना है, हम लोग तो जो आप बताए हो तो शुरू से करते आ रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, नया क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके एरिया में ज़्यादा मलेरिया केस है, नया क्या करोगे जिससे कि हमारा कबीरधाम आपका सेक्शन जीरो मलेरिया की ओर जाए? नया सर जैसे अभी क्या बरसात आने वाली है घर के आसपास जो गड्ढा होता है उसको पानी गिरने से पहले बरसात आने से पहले गड्ढे फाड़ दें ताकि उसमें पानी जमा ना हो और अशोक अभी जो है सबसे पहले चीज अभी वर्तमान की बात करते हैं हम लोग, तो आपके क्षेत्र में जो है स्प्रे भी चल रहा है, लोगों को ये मोटिवेट करो कि हर जहां पर सोते हैं उस कमरे में जो है स्प्रे अवश्य करवाएं, है ना, जो आंगन में करवाते हैं या जहां पर जानवर बांधते हैं वहां पर करवाते हैं उसके बजाय जो है आप अपने आप को असुरक्षित, जानवरों को तो सुरक्षित कर दिए लेकिन अपने आप को कहाँ पर सुरक्षित किए, आप अपने आप को जो है मलेरिया से मुक्त करना है तो आप स्प्रे जरूर करवाइए अपने घर में, जहाँ बेडरूम है वहाँ पर स्प्रे हो प्रत्येक घरों में और लोगों को ये जानकारी बताइए, और साथ ही साथ जो है जितने भी मच्छरदानी वितरण हुआ है उस मच्छरदानी को जो है आप चेक भी कीजिए और उनको जो है यदि खाट में सोते हैं तो खाट में कैसे लगाया जाता है, जमीन में सोते हैं तो जमीन में कैसे लगाना है, मच्छरदानी को करके उनको बताना है, समझाना है, कुछ जागरूक करना है ताकि लोग जो है अधिक से अधिक संख्या में मच्छरदानी का उपयोग करें, और अभी जो स्प्रे कराने से लेकर कतराते हैं तो वो भी जो है स्प्रे हर घर का जो है हर कमरे का स्प्रे भी हो ताकि जो है मच्छर वहाँ पर न कर, ठीक है जी। इसमें एक चीज बताना चाहूँगा, जैसे कोई बाहर में करा रहा है स्प्रे, आप सभी लोग लिए जहाँ पे स्प्रे होना है बाहर कराएंगे तो बाहर का मच्छर कहाँ जाएगा, घर के अंदर जाएगा, क्योंकि उसको ब्लड चाहिए, है ना, तो इसी कारण से घर के अंदर कराना चाहिए तो मच्छर बाहर आएगा, सबसे ज़्यादा ब्लड किसका सक करते हैं मच्छर लोग, जानवरों का, जहाँ पे कोठा रहता है उन लोग सेकंड प्रीफर रहता है इंसान, जब उसको कोई जानवर नहीं मिलता तो इंसान को कटता है, तो कोठा में आपको स्प्रे नहीं कराना है, घर के बाहर स्प्रे नहीं कराना है, घर के अंदर कराना है जहाँ पे लोग सोते हैं। डीटी स्प्रे हो रहा है तो डीटी स्प्रे हो रहा है, अगर हम किसी चीज़ को पहले से नियंत्रण कर लें तो हमको जो बाद में जो कार्य करना पड़ता है उससे रोक कर सकते हैं, तो अभी मेरा फोकस ये है अपने क्षेत्र में जो डीटी स्प्रे हो रहा है वो एक भी कमरा छूटना नहीं चाहिए, इसके लिए मैं स्वयं डीटी स्प्रे दल के साथ जाता हूँ और प्रत्येक कमरे में डीटी स्प्रे करवा रहा हूँ, और अगर कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो करवाना नहीं चाहते तो उसको क्या है मोटिवेशन करते हैं ये मच्छर के अलावा अन्य जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी हमारे जो है कमरे से बाहर हो जाते हैं,
और इससे हमारा क्या है कमरा जो है क्लीन हो जाता है और एक मच्छर जो है नियंत्रण हो जाता है, मच्छर जो है बाहर चले जाते हैं। और दूसरा पाइप जो है बरसात आने वाला है तो उसके लिए मैंने ये प्लान किया है कि मेरे सेक्शन में 18 मितानी हैं तो उनको मैं अपने स्वयं के खर्चे से क्या बोलते हैं एक आइस दूंगा मैं जला पाई जो रहता है और आधा लीटर जो है मिट्टी का तेल। तो होगा क्या जैसे अपने सीजन आता है पानी स्टोर होता है वहाँ पे क्या करेंगे अपने आइस को डाल देंगे, इससे लार्वा जो है क्या होगा उसका श्वसन क्रिया तो है अवरुद्ध हो जाएगा तो क्या होगा वो लार्वा वहाँ पर नियंत्रण हो जाएगा। तीसरा चीज समुदाय के बीच अपना कम्युनिकेशन को एकदम स्ट्रांग रखना, इससे क्या होगा जो भी चल रहा है अपने समुदाय के बीच में हर चीज की जानकारी हमको क्या हो जाए पता चल जाता है और जो जनप्रतिनिधि लोग हैं उनसे भी अपना संबंध अच्छा होना चाहिए। तो जिसे अभी ब्रिटिश पे हो रहा है हम लोग जन के थे लोग काफ़ी सहयोग ले रहे हैं, पंच कर रहे हैं, सरपंच कर रहे हैं, अधिकारी लोग तो करते ही थे। तो इससे क्या हो रहा है जो हमारा क्षेत्र जो ट्रीटीज पे अच्छे से हो रहा है तो उसी के कारण क्या है मेरे पिछले 2 साल में इसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया है कि ट्रीटीज के लिए अच्छे से हो। और एक चीज़ मैंने अपने फील्ड में दिमाग में डाल दिया है कि कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है तो इससे क्या होता है लोगों में क्या है बुखार आता है या सर्दी खांसी होता है तो उन लोग तुरंत मितानी के पास जाते हैं चेक कराते हैं वहाँ जाके तो इससे हमारा जो केस है जल्दी से हम क्या आपका पता चल जाता है। और मितानी लोग क्या है बीच में 2-4 लोग काल से भी रिपोर्ट किए थे उन लोग क्या करते हैं टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट करने के बाद वो 2-3 घंटे के बाद क्या फाल्स लाइन आ जाता है तो उसको लोग रिपोर्टिंग कर देते हैं। तो जैसे मुझे पता चला तो मैं दूसरे दिन वहाँ पे गया ट्रिपल लेने और उसका मैंने दोबारा टेस्ट किया और वो भी 2 बार टेस्ट किया उसमें निगेटिव आया। तो मैंने फिर मितानी को समझाया कि आप 5 से 20 मिनट के अंदर काफ़ी रिपोर्टिंग देंगे उसके बाद का जो रिपोर्टिंग है उसको वो फाल्स रहता है और अगर लक्षण रहता है आर्टिकल में नहीं आ रहा है पॉजिटिव तो उसका स्लाइड से जाँच करके अपने टेस्ट लेवल में हम लोग ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति है हर साल मेरे यहाँ नारा लिखन होता है, मैं वहाँ पे बाकायदा मीटिंग में जाता हूँ मितानियों से चर्चा करता हूँ। पहले की अपेक्षा हमारे जो घाट की मितानी है उन लोग बहुत एक्टिव हुए और खासकर मलेरिया के बारे में मलेरिया है अपना डेंगू है इसके बारे में जानकारी में जाना जाता है किसी तरह ताकि हमारे जो मिशन है मलेरिया का 0 मलेरिया स्टार्ट लिखनी करके उस मिशन पर हम लोग क्या करें सक्सेस हो गए। भी जो है आपके जो चियाडाड़ा स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर जो है कुछ ऐसे जगह है जो पहाड़ी क्षेत्र है जैसे अनवाइन बा है, सरापत्रा है, आपका जो है तिलगड्ढा है ना, तो इसको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि हमारे पहाड़ी क्षेत्र में जो निवास करने वाले बैगा आदिवासी भाई जो हैं उन लोगों को जो है निरंतर हम लोग यदि हम उनके संपर्क में न रहें तो जो चीज़ हम लोग एक्टिविटीज़ वहाँ पर मलेरिया के संबंध में करना चाहते हैं वो जो है हमारा जो संबंध है वो टूट जैसे टूटा उन लोग जो है उस मलेरिया से जो बचने के उपाय जो कर रहे हैं उसे विमुख हो जाएंगे और जो है जैसे पहले थे वैसे फिर से शुरू हो जाएंगे। तो हमको जो है निरंतर उनके संपर्क बना करके रखना, उनको समझाना भी है, उनसे कॉन्टेक्ट बनेंगे और उनको लगातार जो है समझाते रहें ताकि जो है उन लोग मलेरिया से हमेशा के लिए मुक्त हो। ठीक है, ये इसमें सर क्या है अपना जो सोर्स रिडक्शन वाला कार्यक्रम है ना उसको करें देखा रही हुआ है कि लोगों में थोड़ा जागरूकता है कि मैं जैसे ही जाता हूँ वही चीज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो है हम लोग एक बार एग्जीक्यूट किए वहाँ पर जो एक्टिविटीज किए उसके बाद ये जागरूक हो गए हैं काका कि मान कर हम लोग नहीं चल सकते क्योंकि कई ऐसे प्रोग्राम भी आता है जिससे उनका दिमाग जो है उस पर चला जाता है तो वो जो है मलेरिया जो हम लोग चाहते हैं कि मलेरिया मुक्त हो तो वो जो है अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ मलेरिया के बारे में एक बार जरूर चर्चा कीजिए ताकि उनके दिमाग से मलेरिया ना निकले, है ना। हमेशा उसके बारे में जो है हमको ये बताया गया है ये समझ करके वो अपना उसको ध्यान रखें और मच्छरदानी है, स्प्रे है, इससे सबसे जो है वो लोग जागरूक रहें और हमेशा उसका उपयोग करें।